अश्लील फिल्में बनाने के केस में राजकुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिल्पा इस पूरे मॉड्यूल की एक्टिव सदस्य रही होंगी। हालांकि राजकुंद्रा को अरेस्ट करने के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अभी तक इस मामले में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस के इस बयान से माना जा रहा है कि एजेंसी ने एक्ट्रेस को इस मामले में क्लीन चिट दे दी। हालांकि मंगलवार को क्राइम ब्रांच ने एक और बयान दिया है जिसमें शिल्पा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने कहा कि अभी शिल्पा को क्लीन चिट नहीं दी गई है और मामले की जांच लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच के एक और अधिकारी ने कहा, शिल्पा शेट्टी को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है, इस तरह के संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। मामले में खातों के लेन देनों की जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर्स नियुक्त किए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो व्यान इंडस्ट्री यानी कि राजकुंद्रा की कंपनी को बाकी डायरेक्टर्स को उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया जाएगा। इस केस में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को भी गवाह के तौर पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। इससे पहले मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलिंद भारनवे ने कहा था, हमें इस मामले में अभी तक शिल्पा शेट्टी की किसी भी तरह की भूमिका नजर नहीं आई है। हम जांच कर रहे हैं, हम सभी पीड़ितों से अनुरोध करते हैं कि वो आगे आएं और क्राइम ब्रांच से संपर्क करें, हम उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई करेंगे। पुलिस के इस बयान से माना जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में शिल्पा को क्लीन चिट दे दी है। हालांकि अब तक शक की सुई फिर से शिल्पा की ओर घूम गई है। तो इस खबर को देखने के बाद आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और डेली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।